हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एमसीक्यू के बारे में जो कि डी फार्मा से रिलेटेड हैं। दोस्तों, डी फार्मा में मुख्य सब्जेक्ट है जो कि फार्माकोग्नोसी है। फार्माकोग्नोसी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो एवरेज साइज सीड्स आर प्रोपोगेटेड बाय प्लेसिंग इन होल द मेथड इज नोन एज। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डिबलिंग, यानी वी वाला इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गेव द टर्म फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी टर्म किसने दिया? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है शिडलर, ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, हु इज द कंसाइडर्ड एज फादर ऑफ सर्जरी। सर्जरी के फादर किसको माना जाता है? दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, यानी सिसार्ट इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडियन हैज़ अडॉप्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, यानी अल्फ़ाबेटिकल। जो इंडियन फार्माकोपिया है वो अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग ही चलती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फाइव वाला है, उसका जो है द क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्रेजिंग ऑफ केमिकल टाइप ऑफ कंपाउंड एंड एवेल्युएशन ऑफ प्लांट इज। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, कैमोटैक्सोनॉमिकल। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है कैमोटैक्सोनॉमिकल। दोस्तों, सिक्स वाला क्वेश्चन है, ऑल आर द टाइप ऑफ असेक्सुअल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एस्पेक्ट। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, सीड्स प्रोपोगेशन मेथड। दोस्तों, सीड्स प्रोपोगेशन मेथड, यानी ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, सेवन क्वेश्चन है, एज वैल्यू इंडिकेटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट्स ऑक्सैलेट्स फॉस्फेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, यानी प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट ऑक्सैलेट फॉस्फेट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। दोस्तों, ऑल आर द फिजिकल मेथड ऑफ एवेल्युएशन ऑफ ड्रग एस्पेक्टेड। दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए वाला, यानी स्टोमेटल इंडेक्स। दोस्तों, क्या है? स्टोमेटल इंडेक्स। दोस्तों, जो नाइन वाला क्वेश्चन है वो है, बसाका इज यूज इन कफ बिकॉज इट कैन डिलेट द ब्रोंक्वाइल स्मूथ मसल मेंशन इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है। दोस्तों, फार्माकोलॉजिका। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है फार्माकोलॉजिका, यानी सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, टेंथ क्वेश्चन आता है, कलर ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द ड्रग बिलोंग टू विच टाइप ऑफ एवेल्युएशन मेथड। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी वाला। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, फार्माकोलॉजिकल। दोस्तों, फार्माकोलॉजिकल इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे एमसीक्यू थे जो कि डी फार्मा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फार्माकोग्नोसी है डी फार्मा में, वो डी फार्मा का बहुत ही मेन सब्जेक्ट है। दोस्तों, इसलिए इन जो एमसीक्यू हैं इनको प्रिपेयर करते रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।